हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 सटीक ठोस लक्षण जिनसे आप घर बैठे पता कर सकते हो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। आपके जो सिम्टम्स जो अभी हैं आपके साथ हो रहे हैं और जो मेरे साथ हुए हैं, वो सारा कुछ मैं रियल शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। इससे पहले मैं बता दूँ, मैं लिंग के भेदभाव का विरोध करती हूँ और बॉय हो या गर्ल दोनों एक समान होते हैं। शायद आपको मालूम होगा, अगर आप किसी और तरीके से लिंग की जांच कराते हो तो ये कानूनन जुर्म है। इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए अपनी प्यारी बहनों को सिर्फ उनकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए वीडियो बनाती हूँ और गर्भवती की थोड़ा आसान हो जाए अपने आने वाले बच्चे के लिए थोड़ी आगे तैयारी करने में। जैसे कि हम जैसे डिलीवरी का समय स्टार्ट होता है तो हम थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं, थोड़ा सा अपना एक बैग तैयार करते हैं हमें हॉस्पिटल जाने के लिए। तो इसी में मैं मदद करने के लिए आप लोग को ये वीडियो बनाई हूँ। तो चलिए हम वीडियो में आगे 3 वो ठोस सटीक लक्षण जानते हैं जिनसे हम अपने अनुमान लगा सकते हैं बेबी है या बॉय। पहला लक्षण, सोनोग्राफी में कैसे पता चलता है कि पेट में लड़का ही है। डॉक्टर तो हमें बताते नहीं है, लेकिन हम अपने आप से थोड़ा सा पता लगा सकते हैं, थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। सोनोग्राफी में दिल की धड़कन से पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। अगर धड़कन 138 और 155 के बीच में होती है तो गर्भ में लड़का माना जाता है, और अगर वही धड़कन 155 से ऊपर या 138 से नीचे होती है तो लड़की मानी जाती है। और अगर आप चाहते हो कि और तरीके से आप मतलब बेबी सिम्टम्स का पता कर सकते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं दूसरा लक्षण आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, गर्भ में लड़का कौन से साइड रहता है। गर्भ में लड़का दाई और लड़की बाएं साइड रहती है। अगर पेट के आकार की बात की जाए तो नीचे की तरफ से फूला हुआ पेट गर्भ में लड़के होने को दर्शाता है और ऊपर की तरफ फूला हुआ पेट लड़की को दर्शाता है। अगर आपके भी सिम्टम्स ये मेल हो रहे हैं, मतलब सेम हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपका कौन सा महीना चल रहा है। तीसरा और लास्ट ठोस लक्षण है, ये बहुत ही ज़्यादा वर्क कर सकता है। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस द्वारा प्रकाशित एक वैज्ञानिक जर्नल में छपी एक स्टडी में 25 सालों तक 70 मिलियन बच्चों का विश्लेषण किया गया। इस स्टडी का कहना था कि प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने का संबंध बेटा पैदा होने से था। कितना बढ़ेगा वजन? स्टडी के अनुसार जब प्रेग्नेंट महिला का वजन 10 किलो के आसपास तो 49% महिलाओं ने बेटे को जन्म दिया। वहीं 20 किलो के आसपास वजन बढ़ने वाली महिलाओं ने 52% महिलाओं ने बेटे को जन्म दिया। जब 30 किलो वजन बढ़ा तो 54% महिलाओं ने बेटे को जन्म दिया। वैज्ञानिकों को यह पता नहीं चल पाया कि प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने का संबंध बेबी जेंडर से कैसे है, लेकिन इस डाटा का विश्लेषण करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि मेल भ्रूण का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है और उन्हें ठीक तरह से विकसित होने के लिए ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। इस वजह से मेल बेबी होने के महिलाओं में वजन ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब भी आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय हैं, तो आपका वजन भी बहुत ज़्यादा गर्ल के मुकाबले में बॉय का वजन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके गर्भ में एक बेबी बॉय है। अगर आपका वज़न थोड़ा कम रहता है, जैसे कि डिलीवरी के समय नॉर्मल होना चाहिए उतना रहता है, तो आप एक बेबी गर्ल को कंसीव किए हो। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को आज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा ये छोटा सा वीडियो लाइक कर दीजिए
और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि ऐसे ही फ्यूचर में मैं न्यू वीडियो डालूं तो आप लोग का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मुझे कमेंट भी बताइए इसमें से कौन सा लक्षण, कौन सा सिम्टम्स आपको मिल रहा है, कौन सा मेल खा रहा है और आपका चौथा महीना चल रहा है अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट है तो उसके लक्षण मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो पसंद आई हो तो। और मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा केयर कीजिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कोई ऐसे ही टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू फ्रेंड।